गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन एक ऐसा छोटा सा टॉपिक जो कि आपके आता जरूर है, भले ही सीधा नहीं पूछे तो उल्टा पूछ लेंगे। सो मेरे टॉपर भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे डे नंबर 6 ऑफ मैं भी टॉपर सीरीज के। तो मैं भी टॉपर सीरीज को आप सभी ने दिया है भरपूर प्यार, और इसी प्यार के साथ हम चालू करने वाले हैं हमारी अगली वीडियो जो कि है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। ठीक है, सो आज के इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप सभी को पता है हम बात करेंगे गुडविल से रिलेटेड, और इस वीडियो के एंड होने के बाद शाम को 7 बजे जैसे ही आपकी घड़ी में बजेंगे वैसे ही हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको करना बस छोटा सा काम ये है कि इस वीडियो को खत्म करने के बाद और लगाने के बाद अपने सॉल्यूशंस को अपनी स्टोरी में टैग करके, मतलब अपनी स्टोरी में डालकर हमें टैग करना। ठीक है, तो ये सारा काम आपको इस वीडियो के खत्म होने के बाद करना है, पर अभी बात करते हैं इस वीडियो की यानी कि डे नंबर 6 ऑफ मैं भी टॉपर सीरीज। तो भाइयों और बहनों, बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दिस वीडियो, आपको ये तो पता होगा कि कल है संडे, और संडे का मतलब है हमारे इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो। तो कल इकोनॉमिक्स की एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो आने वाली है, उसको देखना ना भूलें। साथ साथ कल मैं ये भी बताऊंगा कि हमारा फर्स्ट लाइव सेशन जो कि एक एमसीक्यू टेस्ट होगा वो कैसे हैंडल हम करने वाले हैं, और आप सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, और लाइव थ्रू इंटरैक्टिव पोल्स हम सभी एक एमसीक्यू पोर्टल को ओपन करने वाले हैं आप सभी के लिए। कब होगा, कितने बजे होगा, कैसे होगा, उन सभी की जानकारी आपको कल हमारी इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स की वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो अभी बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। तो भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने आप लोगों की इस साल की पुस्तक देखी है, देखने के बाद इतना अंदाजा लग गया कि इस साल की पुस्तक में गुडविल को थोड़ा सा ज्यादा टेढ़ा दिखाया गया है। टेढ़ा दिखाने का मतलब क्या है कि हर छोटे से कॉन्सेप्ट के लिए एक नई हेडिंग बना दी गई है। जैसे अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये कॉमन सा है, ये इसी के अंदर आप पढ़ लेते हो, बट स्टिल इसको एक अलग से शो किया गया है, तो वहां पर आपको दिक्कतें चालू हो गई। मैं जहां ऑफलाइन पढ़ाता हूं, इन लोगों को भी, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनको भी थोड़ी बहुत दिक्कत आई, क्या कि सर गुडविल में इतने सारे अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं, बट एक्चुअल में वो एक ही टॉपिक है जिसको बायफर्गेट कर दिया गया है इस बार के सेशन की किताब के अंदर। अब क्यों कर दिया गया है ये तो हम जब राइटर ऑथर से मिलेंगे तब बात कर लेंगे कि क्यों करा गया है, पर तब तक आपको तो अभी पढ़ना पड़ेगा ना। तो अभी अपन बात करते हैं एक बेसिक सिंपल से स्ट्रक्चर के फॉर्म में कि किस तरीके से गुडविल करने हैं। आज हम चारों के चारों फॉर्मूले यहां पर देखेंगे, उनको सिंपली वे में, सिंपल साधारण वे में पढ़ेंगे और देखते हैं किस तरीके से करना है, और साथ साथ में इस वीडियो के एंड में आपको कुछ बातें भी बतानी है, तो उसके लिए वीडियो के एंड तक जरूर आना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला मेथड जो कि है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखो भाई, गुडविल जो है, गुडविल का मतलब होता है सीधा सा भाषा में मेरा नाम, गुडविल का मतलब होता है मेरा नाम, कि मैंने अपना नेम क्रिएट किया है, मैंने अपनी एक विल क्रिएट की है जो कि गुड है। यानी साधारण भाषा में आई हैड क्रिएटेड समथिंग, आई हैड क्रिएटेड माय पोटेंशियल, आई हैड क्रिएटेड माय नेम, जिसकी वजह से मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं। अब जब भी गुडविल का ट्रांजेक्शन किया जाता है तब तब उस गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नया पार्टनर आने वाला है, पुराना पार्टनर गया, रिटायर हो गया, डेथ हो गई, या कोई भी रीजन है, तो उस वजह से हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन करने का सबसे आसान तरीका होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये मेथड क्या है, ये मेथड बड़ा सिंपल सादा सच्चा मेथड है। देखो साधा सा काम है, एवरेज प्रॉफिट क्या बोला गया है, एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट का एवरेज निकालना। अब सीधी सी बात है, अगर आपको बोले सर 2, 4 और 6 इसका एवरेज निकालो, तो आप एवरेज किस तरीके से निकाल सकते हैं, सर 2 + 4 + 6 / 3, सिंपल, यू कैन फाइंड आउट द एवरेज। सिमिलर पेस में जब भी आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करना है आपको यही करना है, क्या, एडिशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर, हर साल के प्रॉफिट को जोड़ते चलना। पहले साल 1 लाख का है, दूसरे साल 2 लाख का है, तीसरे साल 3 लाख का है, तीनों का एवरेज निकालना। तो 1 + 2 + 3 / 3 दैट इज इक्वल टू एवरेज, सिंपल सादा भाषा में। पर यहां पे जो एक चीज आपको दिक्कत देती है, जो हर क्वेश्चन में दिक्कत देगी, वो ये है कि यहां जो वर्ड प्रॉफिट लिखा हुआ है, इट डू मींस
नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप पूछोगे सर फर्क क्या हुआ प्रॉफिट में और नॉर्मल प्रॉफिट में, अब समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि मेरे को इस साल 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, बट एंड में आते आते आग लग गई किसमें, मेरे गोदाम में, जिसकी वजह से 30,000 रुपए का सामान जल गया। अब कंपनी के हिसाब से उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 70,000। बट ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल क्यों नहीं है? कि गोदाम में आग लगना एक वन टाइम टास्क है, ये आपकी गुडविल को अफेक्ट नहीं कर रहा है, या गुडविल की वजह से आपका प्रॉफिट कम नहीं हुआ है। बिकॉज ऑफ दैट गुडविल आपका एक्चुअल प्रॉफिट तो 1,00,000 है, बट किसी अननेचुरल अब नॉर्मल लॉस की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया या फिर बढ़ गया। तो वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल हम ऐसे लॉसेस को या ऐसे आने वाले प्रॉफिट को हटा देते हैं। अब हटाते कैसे है ध्यान से समझना। जैसे क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि सर 70,000 रुपए जो है वो आपका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, साथ साथ में ये भी दे रखा है कि 30,000 रुपए के सामान जल गया था। अब सीधी सी बात है, सामान जलने की वजह से आपका प्रॉफिट 30,000 रुपए कम हुआ है, तो भाई और बहनों मुझे सीधे से एक सवाल का जवाब दो, अगर वो सामान नहीं जलता, वो अबनॉर्मल लॉस नहीं होता, तो मेरे को प्रॉफिट कितना होता? तो मेरे को प्रॉफिट होता 1,00,000 रुपए। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट मिल जाते हैं तो इसका मतलब आपको जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। अब नॉर्मल प्रॉफिट पाने का बड़ा साधारण सा तरीका है, देखो मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं। आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो प्रॉफिट प्लस अब नॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस अगर है तो उसको उसमें जोड़ दो, क्यों? क्योंकि वो अबनॉर्मल लॉस, वो फायर जो आग लग गई थी उसकी वजह से प्रॉफिट आपका कम हो गया, क्योंकि एक्चुअल में वो नहीं होता इसलिए हमने उसको वापस ऐड कर दिया। और सिमिलर बेस में अगर कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको आप लेस कर देंगे। ठीक है, इससे आप कहां पर पहुंच जाएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट पे। अब मेरी बात को समझना, बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना अबनॉर्मल वाला, ये सारे मेथड में काम आता है, सिर्फ एक मेथड में नहीं, सारे। वेटेड एवरेज निकालो कि यहां पे भी आपको नॉर्मल प्रॉफिट से ही काम करना है, ये निकालो कि हर जगह आपको नॉर्मल प्रॉफिट का ही इस्तेमाल करना है, कोई और प्रॉफिट का इस्तेमाल नहीं करना है। आपकी बुक्स के अंदर पता है फ्लक्चुएट कैसे किया गया, डाया कैसे गया, इसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट दे दिया, इसमें आते आते अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक टिका दिया, ओवरवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक टिका दिया, लॉस बाय फायर टिका दिया, इसके अलग अलग टॉपिक्स बनाए हैं, बट दे आर नॉट व्हाट वी आर मेंट फॉर। हमें बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्या, कि अगर कोई अबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसको वापस जोड़ दो, और अबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको हटा दो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल ऑन एसेट, एसेट बेचने से जो प्रॉफिट हुआ, अब वो नॉर्मल प्रॉफिट तो है नहीं, आप एसेट को बेचने के हिसाब से तो रखते हो नहीं, तो सीधी सी बात है वो जो प्रॉफिट है वो आपका अबनॉर्मल प्रॉफिट है। सो गुडविल कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? एक बार में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत? आगे सुनो। अब इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब, मैंने बोला कि यार मुझे पार्टनर को सैलरी देनी थी पर वो नहीं दी है अब तक, तो यार ये तो गलत बात है ना। तो अगर ऐसा कुछ आ जाता है कि जैसे पार्टनर को सैलरी नहीं दी गई, तो इट इज अ नॉर्मल लॉस जो कि आपको डिडक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई 4,00,000 का प्रॉफिट हुआ पर 1,00,000 सैलरी के देने बाकी है, तो एक्चुअल में तेरा लॉस कितना है? 3,00,000 रुपए। एक्चुअल में तेरा जो प्रॉफिट है वो कितना है? 3,00,000 रुपए। तो ये सारी चीजें आपके कॉमन सेंस पर आती हैं। हम क्या करते हैं जब अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, तो कॉमन सेंस को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कॉमन सेंस अकाउंट्स में थोड़े लगता है, बट एक्चुअल में अकाउंट्स में कॉमन सेंस ही लगता है। तो आपको एक छोटा सा कॉमन सेंस लगाना है और उससे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो यहां मैंने क्या बताया कि अगर क्वेश्चन में अबनॉर्मल लॉस हो तो आप उसको वापस से ऐड कर दोगे टू गेट नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि गुडविल निकालते समय आपको हर बार सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, भले ही दुनिया का कोई भी मेथड आप यूज कर रहे हो। ठीक है, प्रॉफिट है तो यहां ऐड हो जाएगा, अगर लॉस है किसी ईयर में तो वो माइनस हो जाएगा। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, जितने ईयर है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस का साधारण भाषा में मतलब होता है कितने साल आपकी गुडविल आपको कमा के दे सकती है, कितने साल आपकी गुडविल आपको कमा के दे सकती है। समझ में आ गया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? बड़ा सिंपल सादा सा है। ठीक है, तो पहला मेथड तो आपका सिंपल है। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, जिसका नाम है वेटेड एग्रीगेट मेथड।
क्या है? वेटेड एग्रीगेट मेथड। अब ये बड़ा आसान है, आपने कभी प्रेफरेंस दी है किसी को, तू पहले तू बाद में, तू पहले तू बाद में, उसको कहते हैं वेट देना, तवज्जो देना, हिंदी में क्या बोलता है उसको, तवज्जो देना। सिमिलरली वेटेड एग्रीगेट मेथड में हम साल के प्रॉफिट के साथ साथ उसको तवज्जो भी देते हैं, तवज्जो का मतलब उसको वेट्स भी देते हैं, ठीक है। तो साधन भाषा में इसके अंदर तो आप हर प्रॉफिट को ले रहे थे, जैसे पहले साल 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, तो अपन ने सबको ऐड कर दिया, पर यहां ऐसा नहीं होगा, यहां हम उन प्रॉफिट को तवज्जो देंगे, हम उस प्रॉफिट को वेट्स देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले साल प्रॉफिट हुआ 2,00,000 रुपए, तीसरे साल हुआ 3,00,000 रुपए, चौथे साल हुआ 4,00,000 रुपए। इफ वी यूज दिस पर्टिकुलर मेथड, आप तीनों को जोड़ते 4 और 2 6 और 3 9, 9 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 3, यानी कि टोटल आ जाता 3,00,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपका आंसर आ जाता। पर यहां पे हम वेट्स दे रहे हैं, हमने बोला कि भैया पहले साल को वेट देना, 1, 2, 3। यहां हमने क्या किया, इनके साथ इनकी फ्रीक्वेंसीज ऐड कर दी, यानी कि वेट्स ऐड कर दिए। जब आप इनके वेट्स एड ऑन कर देते हो तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं होता, अब आपका फॉर्मूला कन्वर्ट होगा। फॉर्मूला कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ प्रॉफिट, टोटल ऑफ वेटेड प्रोडक्ट। टोटल ऑफ वेटेड प्रोडक्ट मतलब ये सॉल्व करा रहा हूं इस क्वेश्चन को, देखो 2,00,000 मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन दोनों को, 6,00,000 और ये हो गया 12,00,000, ठीक है। टोटल ऑफ वेटेड प्रोडक्ट, इनका टोटल कितना है, 12 और 6 18 और 2 20,00,000 रुपए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेट्स। नंबर ऑफ वेट्स कितने हैं, 3 यहां 2 यहां 1 यहां, 3, 2, 5 और 1, 6 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ये नंबर ऑफ ईयर परचेजेस यहां आ जाएगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हमें कितना माने 3 साल का परचेज निकालना है, ठीक है। तो 3 साल का परचेज यहां हो गया, योर वैल्यू ऑफ गुडविल वुड बी इक्वल टू 10,00,000, योर वैल्यू ऑफ गुडविल वुड बी इक्वल टू 10,00,000, ठीक है। 10,00,000 रुपए क्या हो गई, आपकी गुडविल की वैल्यू हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। आगे समझो, अब एक चीज यहां समझना, वो चीज समझने वाली क्या है, ये बेटा जो प्रॉफिट है ना, दे आर ऑल नॉर्मल प्रॉफिट, ये सारे के सारे नॉर्मल प्रॉफिट ही हैं। अगर क्वेश्चन में आपको कहीं मिल जाता है कि यार लॉस बाय फायर हुआ था 30,000 रुपए का, वो अब नॉर्मल लॉस है, तो वो आपको इसके अंदर भी माइनस करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन की शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको अलग से नहीं समझना कि इसमें नॉर्मल चाहिए, इसमें जो प्रॉफिट है वही चलेगा, हर बार आपको नॉर्मल प्रॉफिट पे आना पड़ेगा। आपको कुछ क्वेश्चन में दे रखा है कि यार रेम्यूनरेशन टू पार्टनर 90,000 देना था हर साल, यार वो एक नॉर्मल लॉस है जो कि पार्टनर को देना चाहिए, ठीक है। अब तक आपने अगर देखो प्रॉफिट और लॉस, ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट कैसे निकलता है, सारे तामझामों को हटाकर। पार्टनर को सैलरी देना एक तामझाम है, नॉर्मल पेस में पार्टनर को सैलरी दी जाती है तो वो तो माइनस होना ही। लॉस बाय फायर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबनॉर्मल तामझाम है, अबनॉर्मल लॉस है, तो वो आपके प्रॉफिट को भी कम कर रहा है, एक्चुअल में इतना कम नहीं होना चाहिए था, इसलिए आपने उसको वापस से ऐड कर दिया। समझ में आ गया, ये बड़ा सिंपल है, दीज टू आर द सिंपलेस्ट मेथड। आपको कुछ नहीं करना, बस नॉर्मल से कैलकुलेशन करना है। गुडविल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क 3 मार्क के हिसाब से पूछा जा सकता है, और साथ साथ क्योंकि आपकी बार आपके 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बढ़ गए हैं, तो उनके अंदर गुडविल के कैलकुलेशन को पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा अपन माने कि ज्यादा बड़ा नहीं, तो नॉर्मल प्रॉफिट ही पूछ ले कि भाई प्रॉफिट है 2,00,000 रुपए, जिसके अंदर है ना पार्टनर्स को सैलरी देनी है 50,000 रुपए, और लॉस बाय फायर हो गया 20,000 रुपए, तो व्हाट इज द नॉर्मल प्रॉफिट, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सो देयर कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, बस आपको ये याद रखना है कि आपको समझ करना है, यानी कि आपको पता होना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है किसी अबनॉर्मल चीजों को हटाकर, सारी अबनॉर्मल चीजों को हटाने के बाद जो प्रॉफिट हुआ दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आ गया, दो मेथड हो गया। तीसरे मेथड की बात करते हैं, बड़ा आसान मेथड, इसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। कौन सा सुपर प्रॉफिट, सुपर का मतलब होता है नॉर्मल से ऊपर, सुपर का मतलब नॉर्मल से ऊपर, यानी कि मेरे को होना चाहिए था 10,00,000 का प्रॉफिट और मुझे हो गया 15,00,000 का प्रॉफिट, तो कितना सुपर प्रॉफिट हो गया, 5,00,000 रुपए, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। सिंपल है,
देखो हमेशा याद रखो कि आपको गुडविल करते समय ना दिक्कत क्या आती है, हम फंसते कि कौन सी चीज को कहां से उठा के कहां रखना है। तो इस कंडीशन में मैंने एक सीक्वेंस बना रखा है। क्या? पहले गुडविल का फॉर्मूला लिखो, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में गिवन होगा, बस एक सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है? एक्चुअल प्रॉफिट हुआ कितना, प्रॉफिट मान लो 15 लाख, माइनस होना कितना चाहिए था नॉर्मल प्रॉफिट, मान लो 10 लाख होना चाहिए था। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया आपका, 5 लाख रुपए, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज गुडविल आ गए। बट यहां पे एक्चुअल प्रॉफिट तो क्वेश्चन में एज यूजुअल आपको गिवन होगा, ठीक है? नहीं गिवन हो तो एवरेज कैसे निकालना, ये रहा एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, एवरेज निकालना। बात आती है सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, हम कैसे पता लगाएंगे कि मेरी कंपनी को नॉर्मल कितना प्रॉफिट होना चाहिए था, ठीक है? तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, अगर आपको पता लगाना हो कि भैया कंपनी को कितना प्रॉफिट होना चाहिए था, तो जब भी कंपनी शुरुआत करती है तो हमेशा अपने कैपिटल का सर्टेन प्रोपोर्शन, अपने कैपिटल का कुछ प्रोपोर्शन एज अ प्रॉफिट लेती है। यानी कि अगर मैंने मेरी कंपनी स्टार्ट करी 10 लाख रुपए लगा के, तो मैं इतना अंदाजा मानूंगा कि उस 10 लाख का 10% या 20% या 30% जो है मुझे प्रॉफिट में मिलना चाहिए। यानी कि 10 लाख का मैंने माना मानो 20% मुझे मिलना चाहिए, तो कितना मेरा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया सर, 2 लाख रुपए। अब अगर मेरे को पहले साल के बाद 2.5 लाख का प्रॉफिट होता है, इट मींस 50,000 जो है मेरा वो सुपर प्रॉफिट है, ठीक है? तो यहां समझना कैसे निकाला अपन ने नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको हम साधारण भाषा में कैपिटल ही बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, काफी डराते हैं इस बारे में। एनआरआर अपॉन 100। नाउ व्हाट इज एनआरआर? एनआरआर मींस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 10% 15% 20%, ठीक है? तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का बड़ा आसान तरीका है क्या, शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है? नॉर्मल जैसे कैपिटल निकालते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, ठीक है? बचपन में जो अपन निकालते थे। तो यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला, कैपिटल इनटू एनआरआर अपॉन 100। अब देखने की बात नहीं है सर एनआरआर क्या है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सी बात, तू कितना एक्सपेक्ट कर रहा था, तू कितना एक्सपेक्ट कर रहा था और तुझे एक्चुअल में कितना मिल गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो तेरा सुपर प्रॉफिट हो गया। यहां पे 10 लाख लगा के मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मुझे 10% मिलेगा, यानी कि 1 लाख मिलेगा, साल के एंड में मुझे 1,20,000 मिल गया, दैट 20,000 वुड बी माय सुपर प्रॉफिट। 20,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट इज इक्वल टू गुडविल, सिंपल सा फॉर्मूला। देखो सीधे ये सारी चीजें क्या है, ये सब सिर्फ और सिर्फ दिमाग के फॉर्मूले हैं, दे आर नॉट इवन फॉर्मूला जिनको हम रटे या याद करें, ये बिल्कुल एक कॉमन सी चीज है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, वो जो कि नॉर्मल से ऊपर हो, सुपर मतलब नॉर्मल से ऊपर, नॉर्मल से ऊपर मतलब जितना सोचा गया था उससे कितना ज्यादा हो गया। अब कैसे पता लगाएंगे, एक्चुअल माइनस नॉर्मल, ठीक है सर एक्चुअल तो पता लगता है, नॉर्मल कैसे निकालें भाई, कैपिटल को जितना परसेंटेज तू चाह रहा था उससे मल्टीप्लाई कर दे, आ गया नॉर्मल, क्लियर? आखिरी मेथड की तरफ बढ़े, जो लास्ट मेथड है आपका वो है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखो बड़ा सिंपल है, कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है, यू हैव टू कैपिटलाइज योर प्रॉफिट, आपको आपके प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। जैसे मैंने बोला कि यार मैं 10% रिटर्न चाह रहा हूं, 10 लाख रुपए लगा के, तो कितना रिटर्न चाह रहा हूं मैं, 1 लाख रुपए का रिटर्न चाह रहा हूं। इसको दूसरी भाषा में समझते, 1 लाख रुपए का रिटर्न मिलने के लिए कितना कैपिटल लगाना आवश्यक है, 1 लाख रुपए का रिटर्न मिलने के लिए कितना कैपिटल लगाना आवश्यक है, इसको अपन बोलते हैं कैपिटलाइजेशन करना। क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन करना। कैसे करेंगे? उल्टा करेंगे, 10 लाख का 10% होता है 1 लाख, और मैं बोलूं किसका 10% 1 लाख होता है, तो आप उल्टा कर दोगे, 100/10 कर दोगे। साधारण भाषा में अपन बोले तो कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरीकों कैपिटलाइजेशन करते हैं, एक होता है एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज करना, एक होता है सुपर प्रॉफिट। डरने की बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, अगर उन्होंने डरने वाला कुछ नहीं है, 11वीं में था जितना तुम्हें डरना था तुम डर लिए, 12वीं के अंदर अब तुम्हारा करने का टाइम है, ठीक है? छठा दिन चल रहा है अपना, मैं बनूंगा टॉपर सीरीज का, डरने की कोई दिक्कत नहीं है। आज जो खत्म करते हैं इसको, कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो बड़ा सिंपल है, गुडविल इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला देखो, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड ये वाली सीधी भाषा में अपने को नॉर्मल जो कैपिटल होती है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। नाउ व्हाट वी काउंट अपॉन, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, दैट इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैसे निकालते, बड़ा आसान है, कैपिटल को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है तो 10/100 10% निकालना है,
प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो उल्टा 100/10, दैट सिंपल, उल्टा कर दिया। कैसे निकाला? एक्चुअल प्रॉफिट इनटू 100/NRR। यहां क्या किया था? नॉर्मल निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड को किया था। यहां क्या करा? एक्चुअल प्रॉफिट, ये इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए? 100,000 रुपए में चाह रहा था 10 लाख की कैपिटल लगा के, ठीक है ना। 2,50,000 रुपए मिल गए मुझे, तो कितनी कैपिटल चाहिए थी मुझे? मतलब इतना प्रॉफिट कमाने के लिए 25,00,000 रुपए की कैपिटल चाहिए थी। मेरा काम 10 लाख में ही हो गया, यानी कि 15,00,000 रुपए मेरा क्या है? गुडविल। देखो कैसे, एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100/NRR। NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हाउ मच रिटर्न आई एम एक्सपेक्टिंग। इससे क्या आ जाएगी? तुम्हारी कैपिटलाइज वैल्यू आ गई, मतलब इतने प्रॉफिट के लिए कितनी कैपिटल चाहिए। आगे अब मैंने कितनी कैपिटल लगाई, दोनों को माइनस कर दिया, यानी कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुडविल। किसके बराबर हो गई ये? गुडविल के बराबर। सिंपल। ये क्या था? एक्चुअल प्रॉफिट का कैपिटलाइज करना। देखो नाम है एक्चुअल प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना, तो एक्चुअल प्रॉफिट का आपने कैपिटलाइजेशन कर दिया, यानी कि उसको कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 100/NRR। प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? NRR/100। कैपिटल में से कन्वर्ट कैसे करते हैं? 100/NRR। उल्टा। लास्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब देखो नाम बता देगा, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो। या एक्चुअल प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे थे या सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो, बड़ा आसान है। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज करना है उल्टा, 100/NRR। सिंपल, सुपर प्रॉफिट अपॉन 100/NRR। अब आप बोलोगे सर माइनस क्यों नहीं किया? माइनस इसलिए नहीं किया मुन्ना, यहां है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ये रहा एक्चुअल माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट के अंदर पहले से माइनस होके आ चुका है, उसके बाद अपन ने 100/NRR किया, तो इसलिए वापस माइनस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। समझ में आ गए? तो दीज आर द 4 मेथड जो कि आपको करने हैं गुडविल के अंदर। दुनिया के सारे क्वेश्चंस आपके इन 4 मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, आपको दिमाग लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज की इस वीडियो के एंड में एक चीज का याद रखना, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप लोगों के 2 जगह आप लोगों को मिल जाएंगे। सबसे पहला तो है हमारा इंस्टाग्राम हैंडल जहां आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, दूसरा है हमारा यूट्यूब का कम्युनिटी टैब। तो अकाउंट अड्डा कम्युनिटी टैब में आज आपको इन सारी चीजों के टॉपिक्स जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो उन सभी चीजों को आप ध्यान रखें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं उसको हम तक पहुंचाएं, ठीक है। कल है संडे, कल हमारे इकोनॉमिक्स की एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो आने वाली है। साथ साथ कल ये भी बताऊंगा कि पहला टेस्ट कहां मैं लेने वाला हूं, आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, कल उसका टॉपिक, उसकी टाइमिंग और कैसे आप सभी को देना है और कितने लोग दे सकते हैं, वो सारी की सारी जानकारी कल की वीडियो में देखेंगे। तो कल की वीडियो बहुत जरूरी है, उसको आना मत भूलना। और अगर एंड तक आए हो तो यार कमेंट कर दो, क्योंकि आप लोग टॉपर बनने के लिए एक सीढ़ी और आगे चढ़ चुके हो। आज क्वेश्चन को सॉल्व करना, हमारी दी हुई बातों को ध्यान रखना, रोज सुबह आपको आपके सीक्रेट ग्रुप के अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आपसे कल फिर मिलेंगे गाइस, टिल देन कीप ऑन वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।